कांग्रेस नेता करण दलाल ने कांग्रेस पार्टी को दिखाई घुड़की। फरीदाबाद लोकसभा से टिकट न मिलने पर दिखाई तीखे तेवर। 29 अप्रैल को आयोजित होगी फरीदाबाद लोकसभा की महापंचायत। करण दलाल की कांग्रेस से नाराजगी। कहा, मैंने कभी अन्य नेताओं की तरह किसी दल की गुलामी स्वीकार नहीं की। कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने आवेदन ही नहीं किया। अपने में तो राय नहीं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो रह रहे हैं। मैंने अपने लिए कब कहा है? जो रह रहे हैं, जिन्होंने इलाके को गुलाम बनाया है, क्योंकि इलाकों का दबदबा नजर नहीं आता, चाहे कांग्रेस की मदद करें या किसी भी का, लेकिन इलाके का दबदबा तो नजर आना चाहिए ना। कल को फिर पार्टी वाली बन जाती है, भाई हमें दोबारा पार्टी का टिकट मिल गया, हम बन गए, इसलिए हम किसी परवाह नहीं करते। कल सुबह जैसे कि पीछे ये कृष्ण पाल जी कहते रहे, मुझे रादौर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस की ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो नीति ठीक है, ना नियत ठीक है, नेतृत्व का तो मालूम ही नहीं है वो नेतृत्व कौन है कौन नहीं। सीएम सैनी का कांग्रेस पार्टी पर हमला। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के न्याय घोषणा पत्र पर जमकर कसा तंज। कहा, महिलाओं और गरीब युवाओं को जब भी बात मोदी सरकार ने की है और कांग्रेस और उनके नेताओं का पेट खराब हो जाता था। की खुशी है, ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ जोड़ने का काम किया है। और मैं देखता हूं जितने भी इन 10 वर्षों के अंदर योजना बनी है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के नेताओं ने। गोहाना में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली में रहे मौजूद, जनसभा को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सीएम नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर सिंह दरबार जुरासी खुर्द में पहुंचे। बाबा मान सिंह की पहली बरसी पर उन्होंने नमन किया। सीएम सैनी का कांग्रेस पार्टी पर निशाना। कहा, कांग्रेस में मची है भगदड़, कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ने की कतार में लगे। मची हुई है, कांग्रेस ने 55-60 सालों तक, समझते हैं लोग, एक ही परिवार का शासन रहा है और लोग परिवारवाद से तंग हैं। और अब लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवारवादी ये जो पार्टी हैं इनसे छुटकारा मिले। और कहीं ना कहीं जो देश के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो देश के हमारा शिखर के ऊपर जाए उसके बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग आज मिल करके देश को आगे बढ़ाने का। सीएम सैनी ने भव्य बिश्नोई को दी बधाई। कहा कि भव्य बिश्नोई युवा नेता हैं और युवाओं के प्रति उनमें जोश है। बिश्नोई युवाओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। भव्य बिश्नोई हमारे युवा नेता हैं और उनके मन में युवाओं के प्रति बड़ा जोश भी है, कुछ करने का उनके मन में जज्बा है और मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और वो युवाओं को साथ लेकर के पार्टी को भी मजबूत करेंगे और सरकार को भी। सीएम नायब सिंह सैनी की रादौर रैली से पहले किसान नेता सुभाष गुर्जर डिटेन। किसान नेता ने कहा, मुख्यमंत्री कहता है मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन वो किसान की सुनना ही नहीं चाहता। जो किसान का बेटा मुख्यमंत्री कहने वाला किसानों से डरता है। हमने कल अरदौर में एक बैठक की थी भाई अपनी समस्या को लेकर, जैसे पहले सडोरे में नहीं मिलने दिया, मस्याद अरदौर में सीएम साहब की आ जाए भी, मेरे किसान परिवार से हैं, हमने कल बैठक की थी भी किसानों से मिलवाया जाए, प्रशासन से कहा था लेकिन वो मना कर गए। तो सुबह जब हम अपने यहाँ सत्संग में जाने के लिए आए तो हमारे पास पुलिस विभाग से काफ़ी कर्मचारी हमारे अधिकारी। कांग्रेस नेता सुभाष गुर्जर ने लगाया है आरोप। कहा कि जब साढ़ौरा में मुख्यमंत्री आने वाले थे उस वक्त भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, पुलिस ने हमें पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। करनी थी भैया रादौर में अपने, हमारे 11 किसान या 21 किसानों से मुलवाया जाए, लेकिन कल हमारे को मना कर दिया था, फिर हमने अपना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। हमारा कोई विरोध करने का संगठन नहीं है, हम विरोध ही करे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे की रणनीति है पूरे जिले में
आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी के नेतृत्व में जींद में जाट धर्मशाला में एक बैठक है पूरे हरियाणा की, और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि हर